नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। हाथरस में बिटिया के साथ हुई अमानवीय घटना की निंदा करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा तथा आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिए जाने की मांग की। हाथरस में मनीषा के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर NP सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे तथा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM धीरेन्द्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि हाथरस में बिटिया के साथ हुए अमानवीय घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे दरिंदों को सजा दिए जाने में विलंब होता है, जिससे अन्य आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं। यदि ऐसे दरिंदों को शीघ्र फांसी पर लटका दिया जाए तो अन्य कोई ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिए जाने की मांग की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। प्रजापति जी, आज सब हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो हाथरस में जो प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में का ज्ञापन सौंपा कि जो अपराधी हैं उनके साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी मांग की है कि ताकि आने वाले समय इतनी कठोरतम कार्रवाई हो जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की हिम्मत न जुटा पाए, क्योंकि इसकी अगर पुनरावृत्ति जो है समाज को झकझोरती है और कहीं ना कहीं समाज में सरकार के विपक्ष में मैसेज भी जाता है। तो सरकार ने भी पूरा मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार से बात की है और उस परिवार को पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार आपके साथ है और पूरी आर्थिक सहायता और मानसिक रूप से पूरी सहायता दी है। प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है और हिंदू होने के नाते सूर्य होने के बाद जो है चिता में आग नहीं दी जाती है और रात में जिस तरह से उसका सब जलाया गया है, इसमें क्या कुछ कहना है? लेकिन मेरा मानना है, लेकिन इस समय ऐसी होती है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि कभी कभी इस तरह की घटना को और बवाल ना हो और कोई परेशानी ना हो उस तरह के निर्णय लिए जाते हैं।